Assalamualaikum pyare pyare logo, welcome to another video. So today's video is all about, aaj ke video mein main youtubers ke picture ko recreate karungi. Well, main recreate kar chuki hoon aur aap log ke sath share hi karni hai. To sabse pehle hum baat karenge Bisma Khan ki. Bisma Khan ki ye wali picture mujhe bahut achhi lagi thi, like unhone apne haath mein gun pakdi hui hai. Acha to maine ye wali inki picture recreate ki thi. Anyways, to aap log iske behind the scenes check kare. Crashing, need a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Straining, need you now. I call your name, but you're not. कैसी है ये picture? बहुत अच्छी है. Bisma Khan जैसी लग रही है. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me, don't let. जैसा कि आप लोगों ने ये पिक्चर देखी है मेरी, वैसे ही आ रही है. मतलब मैंने भी उनकी तरह की एक्सप्रेशन देने की कोशिश की है, और गन को पकड़ने का वो स्टाइल, वो आंखों का आई बॉल, और मतलब अब मैं आप लोगों को इसका कोलाज दिखाती हूँ, मे बी यू लाइक इट. तो जैसे कि आप लोग इसका कोलाज देख रहे हैं, मतलब आप लोगों को नज़र आ ही रहा है कि मतलब कैसी मैंने ये बनाई है. मतलब एग्जैक्टली मैच तो कर रहा है, लेकिन आई गेस Bisma Khan इज लिटिल प्रिटी. बस बात इतनी है कि Bisma Khan के बाल काफ़ी लंबे हैं और मेरे छोटे थे ना, तो बस ये मुझे डिफरेंस थोड़ा लग रहा है, और बैकग्राउंड का ज़रा थोड़ा सा. बाकी तो मुझे सही लग रही है. अब आप लोग ये बताना कैसी है, और Bisma Khan बताएंगी कि इनको कैसी लगी. एनी वेज गाइज, फिर मैंने रिक्रिएट की मेरी फेवरेट यूट्यूबर, द वन एंड ओनली Meriyum Perviz, वेरी टैलेंटेड गर्ल. ये वाली इनकी पिक्चर मुझे रिक्रिएट करने में काफ़ी मुश्किल लग रही थी, एक आंख ऐसे बंद करना और अपने बाल ऐसे, और मतलब इट वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की. तो आप लोग पहले इसका बिहाइंड द सीन्स देखें. एनीवेज, जैसे कि आप लोगों ने ये देखी मेरी पिक्चर, मतलब देखें एक दफ़ा गौर फरमाएं इस पर, मैंने बिल्कुल उनकी तरह कोशिश की है. अब हम इसको कोलाज की तरह देखते हैं, तो उसमें पता चलेगा क्या डिफरेंस है. एनीवेज, जैसे कि आप लोग कोलाज देख रहे हैं इसका, बस एक ये है कि इनका थंबनेल था, उन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो मैंने वो टेक्स्ट लिखा नहीं अपने पे, और बस ये डिफरेंस है. और दूसरा डिफरेंस ये है कि मेरे नाक पे शायद थोड़ी ज़्यादा लाइट पड़ रही है, और मेरे होंठ कुछ ज़्यादा ही रेड हैं, और मेरी आईब्रोज कुछ ज़्यादा ही ऊपर है. एनीवेज, तो यही थी पिक्चर. उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई, और उम्मीद करती हूँ Meriyum Perviz को भी पसंद आई हो. एनीवेज गाइस, तो मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, द लास्ट वन, हया ज़ामिन, अ वेरी गुड ब्लॉगर. ये हया की ना ये वाली पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं. मुझे ये बहुत पसंद आई थी, और बस तो हया की ये पिक्चर मैंने रिक्रिएट की, जिसके लिए मुझे पहनने थे वाइट कपड़े, और बाल थोड़े लंबे होने चाहिए, लेकिन मेरे नहीं है ना, आप लोगों को तो पता, और ऐनक बस. एनीवेज, तो अब मैं आप लोगों को इसके बिहाइंड द सीन्स दिखाती हूँ. जैसे कि आप लोग ये पिक्चर देख रहे हैं, मतलब मैंने पूरी कोशिश की हया जैसी आए, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग है. हम लोग कोलाज में देखते हैं तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हमें पता चलेगा. देखो यार, इसमें हया ने जो ग्लासेस पहने हैं उनकी थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं, मेरी थोड़ी डिफरेंट लग रही हैं, कुछ ज़्यादा ही ब्लैक लग रही हैं, और बस. और बाल तो आपको पता छोटे हैं मेरे. अच्छा, तो बस मुझे ये बाकी सारी सही लग रही है. आई होप हया को ये पसंद आए.
एनीवेज आई ट्राइड, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आई हो और उम्मीद करती हूँ हया को भी ये पिक्चर पसंद आई हो। बिस्मा, मरियम और हया तीनों से एक रिस्पॉन्स की उम्मीद करती हूँ मैं। लाइक मुझे खुशी होगी अगर मेरी मेहनत को वो देखेंगी, उन तक पहुँचेगी तो वो रिस्पॉन्स देंगी, तो इट विल मेक मी सो हैप्पी गर्ल्स। एनीवेज गाइज, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आई कैच यू इन माय अनदर वीडियो, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। आई थिंक जो सबसे अच्छी पिक्चर रिक्रिएट हुई है ना वो बिस्मा खान की हुई है। Hey guys, I really appreciate it if you take a moment and subscribe Shariyar's channel. He makes really good videos. Link is in description. Thanks.